लगाने के तीन स्टेप्स हैं, तीन में से स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन क्या है, पहले हमें एक्स स्क्वायर की पावर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 × 6 ये आ जाएगा 36। एंड स्टेप नंबर टू है, 36 का हमें एलसीएम लेना होता है। 218 सैनिक इंस्टीट्यूट लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल है फॉर क्लास 9th। ये है टॉपिक आपका अलजेब्रा के बेस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें हमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल सी दी होगी और उसके हमें फैक्टर्स पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाता है, फैक्टर, या पूछा जाता है जीरोस इसके कितने हैं, जीरो, या हमसे इसका सोल्यूशन पूछ लिया जाता है और ऑप्शन हमें चार दे दिए जाते हैं। तो इसी को करने का तरीका, जैसे पहले एग्जाम्स में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं, 6x2 इसके जीरोस कितने होंगे, ठीक है, या इसके फैक्टर्स कितने होंगे, या इसका आप सॉल्यूशन बताएं क्या होगा, और सॉल्यूशन के तौर पे आपसे क्वेश्चन के अंदर वो ऑप्शन दे देगा, दो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो इसी चीज को हमें इस लेक्चर में देखना है कि किस तरीके से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म स्प्लिट। इस मेथड का नाम है मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट के साथ साथ हम एक फॉर्मूला और आता है जो कि द्रचार्य फॉर्मूला होता है, जिसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से मिडल टर्म स्प्लिट को हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। मिडल टर्म स्प्लिट अप्लाई करने से पहले आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मिडल टर्म स्प्लिट नाम से ही पता चल रहा है, इस टर्म को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है और फिर हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। बेसिकली फैक्टर्स निकालने के लिए ही मिडल टर्म स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके मिडल टर्म स्प्लिट को लगाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली कंडीशन है आपके पास में पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मिडल टर्म स्प्लिट या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या मिडल टर्म स्प्लिट का फॉर्मूला तभी लगेगा जब पावर कितनी होगी, 2 होगी। इसके बेसिकली इनको इस्तेमाल किया जाता है जैसे मैंने बताया कि जीरोस निकालने के लिए या सॉल्यूशंस निकालने के लिए या फैक्टर्स को निकालने के लिए। तो मिडल टर्म स्प्लिट से आप सभी जानते हैं इस चीज पे हमें फोकस करना है, और मिडल टर्म स्प्लिट लगाने के तीन स्टेप्स हैं, तीन में से स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन क्या है, पहले हमें एक्स स्क्वायर की पावर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 × 6 ये आ जाएगा 36। एंड स्टेप नंबर टू है, 36 का हमें एलसीएम लेना होता है। 218, 29, 33, 31 ये एलसीएम ले लिया। अब स्टेप नंबर थ्री जो है उसके अंदर हम यूज करेंगे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमारी ये वैल्यू आनी चाहिए। किसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये जो वैल्यूज आएंगे इनका। आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहां से देख के भी कर सकते हैं। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे ये आना चाहिए, और उन्हीं वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 36 भी आना चाहिए। जैसे इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 3 और 3 कितना होता है, 9, और 2 और 2 4 क्या होता है, 4। तो 9 में से अगर 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 9 × 4 = 36 ये भी मेरा आ रहा है। दैट मींस मिडल टर्म स्प्लिट में मेरे पास में एक चीज रेडी है, दैट इज 9 और 4, ठीक है। क्या रेडी है मेरे पास, 9 और 4। तो चलिए देखते हैं 9 और 4 का हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे 9x लिख लेते हैं और यहाँ पे 5x लिख लेते हैं, और जो ऊपर वाला है एज इट इज हम उतार लेंगे, 6x square, ओके। देखिए इन दोनों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, 9 यहाँ 4 था तो यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है, ये 4 होगा आपका, डिलीट कर देते हैं थोड़ा सा,
क्योंकि फोर था तो आपको फोर ही लिखना पड़ेगा। फोर, नाइन में से फोर जाएगा, फाइव एक्स आ जाएगा। अगला स्टेप जो है दैट इज दिस एंड दिस, यहां से हमारे पास में कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन। तो यहां से थ्री एक्स जो है वो कॉमन आ जाएगा। थ्री टू जा टू एक्स माइनस, यहां पे प्लस था तो प्लस, प्लस थ्री थ्री जा नाइन। ओके, यहां से माइनस टू एक्स हम ले लेंगे। देखिए माइनस यहां का कॉमन और इन दोनों का टू कॉमन, एक्स एक्स नहीं होगा, ठीक है, एक्स को हटा दीजिए क्योंकि एक्स तो दोनों जगह पे नहीं है ना, इसलिए ये कॉमन होगा ही नहीं। तो टू हमारा कॉमन हो जाएगा, है ना। तो टू टू जा फोर और माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और थ्री आ जाएगा। अब हम देखेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू एक जैसी है, तो इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, टू एक्स प्लस थ्री, और ये जो है ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री। तो हमारे फैक्टर्स कितने हो गए? दो फैक्टर कितने हो गए? दो, ठीक है। और इसके जीरोस कितने हो गए? वो भी कितने हो गए? दो। सॉल्यूशंस कितने हो गए? वो भी कितने हो जाएंगे? दो, है ना। सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है 2x plus 3 equal to 0, 2x equal to minus 3, x equal to minus 3 upon 2। तो ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। और यही हो जाएगा आपका जीरोस। तो जीरोस कितने होते हैं? दो होते हैं। सॉल्यूशन भी कितना होगा? दो होगा। नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से और देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कि वैल्यू गिवेन है, इसके अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व। इसके अंदर भी आपको क्या निकालना है? फैक्टर्स निकालने हैं। हम ये भी कह सकते हैं सॉल्यूशंस निकालने हैं, हम ये भी कह सकते हैं जीरोस निकालने हैं। तो इनको सॉल्व करने का वही मेथड, कितने हमारे पास में स्टेप्स हैं? तीन स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन, कोई बच्चा बता सकता है स्टेप नंबर वन? अगर आपने पढ़ा है तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि व्हाट इज स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन के अंदर हमें क्या करना होता है? सबसे पहले कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो स्टेप नंबर वन को हम फॉलो करते हैं। क्या है यहाँ पे? वन है। इस जगह पे क्या है? वन। और यहाँ पे 12 है तो 12 हो जाएगा। स्टेप नंबर वन मेरा पूरा। स्टेप नंबर टू क्या है कि इस 12 का एलसीएम, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। नाउ स्टेप नंबर थ्री क्या है कि इन वैल्यूज का यूज करके यहाँ पे 1x है तो हमें 1 लाना है। और उसी के साथ ये भी ध्यान करना है कि दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करने पे हमें ये वैल्यू आनी चाहिए। तो 12, तो जाहिर सी बात है 4 into 3 तो 12 हो जाएगा। और 2 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 भी आ जाएगा। दैट मींस एक हमारा बन जाएगा, 4x और एक बन जाएगा 3x, 3x और माइनस 12 और यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर। सही। ये कहां से आया? जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, 12 स्टेप नंबर वन मल्टीप्लीकेशन, स्टेप नंबर टू